बहुत बहुत स्वागत, आप देख रहे हैं मथुरा हलचल न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। श्री राम मंदिर ट्रस्ट और पूज्य शंकराचार्य विवाद पर प्रकाश डालते हुए आचार्य श्री गोपेश जी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि भगवान श्री राम सनातन धर्म के प्राण रूप हैं और शंकराचार्य सनातन धर्म के रक्षक और ज्ञाता हैं। उन्होंने आगे कहा कि इस विवाद का कारण उन विद्वान संतों के मन में किसी ईर्ष्या के कारण नहीं, बल्कि धर्म के राजनीतिक लाभ के लिए शास्त्रोक्त विधि को अनदेखा करना है। आचार्य श्री गोपेश जी ने बताया कि जिस प्रकार एक वैद्य को चिकित्सा का सही ज्ञान होता है, उसी प्रकार सनातन धर्म के रक्षक और सर्वोच्च पद को सुशोभित करने वाले शंकराचार्यों को शास्त्रोक्त विधि का उचित ज्ञान है, जिसका उल्लंघन करने पर सुख और सिद्धि को प्राप्त ना होकर अनिष्ट का मार्ग प्रशस्त होता है। अंत में आचार्य श्री ने संतों की वाणी का अपमान न करने, उनकी पीड़ा को समझते हुए हर्षोल्लास के साथ श्री राम के आगमन की शुभकामनाएं व्यक्त की। जय जय की जय जय। हमारे प्यारे जय जय का सुंदर दिव्य भव्य मंदिर बन रहा है। सभी सनातनी इतने आनंद में हैं, इतना उत्साह है, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे त्रेता युग में प्यारे प्रभु की प्रतीक्षा करते करते घर घर सजे थे। आज भी लोगों के हृदय में इतना उत्साह है, इतना उमंग है, आनंद है कि मूका स्वादन वत देखे बने कहते ना बने उर में उमगे अनुराग अगाधा। प्यारे प्रभु पधार रहे, परंतु अनेकानेक सनातन धर्मियों के मन में ये एक विचार ऐसा भी आज आ रहा है कि श्री शंकराचार्य प्रभृति महाभाग बड़े बड़े विद्वत जन, शास्त्रज्ञ जन, और जो शास्त्रों में प्रवेश कर चुके हैं ऐसे महापुरुष, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वे अप्रसन्न हैं, असंतुष्ट हैं, विरोध कर रहे हैं। अनेकानेक लोगों के प्रश्न आए हमारे पास महाराज जी, इस विषय में कुछ कहिए कि क्यों वे महापुरुष लोग क्यों अप्रसन्न हैं, सारी जनता एक ओर प्रसन्न है और वे अप्रसन्न हैं, तो कोई तो कारण होगा। तो प्यारो देखिए, दो तीन बातें यहाँ समझने की हैं, छोटी छोटी बातें हैं, मैं अत्यंत संक्षिप्त में आप लोगों के समक्ष रखूँगा। प्रथम तो ये है कि ये कुभाव मन से निकाल दीजिए कि कोई भी शास्त्रज्ञ, कोई भी विद्वान महापुरुष प्यारे प्रभु का दिव्य भव्य मंदिर बनने के कारण अप्रसन्न है, असंतुष्ट है, पीड़ामय प्रतीत हो रहे हैं। पहली बात तो ये हृदय से निकाल दीजिए। वे अप्रसन्न हैं उस पर हम पुनः विचार करेंगे। अभी एक छोटी सी बात पर विचार कीजिए। देखिए, किसी भी व्यक्ति को कोई रोग हो जाता है तो प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि रोग निवृत्ति हो। तो दो उपाय होते हैं, एक तो एलोपैथी आदि कोई ऐसी दवाई वगैरह खाइए कि तात्कालिक लाभ हो जाए, और प्रायः लोग ऐसा सोचते हैं कि बाद की बाद में देखेंगे, तो साइड इफेक्ट आदि होगा वो सब देख लेंगे। परंतु जो आयुर्वेद के जानकार हैं, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन आयुर्वेद में व्यतीत कर दिया है, वे वैद्य, वे अनुभवी महापुरुष, वे जानते हैं कि उस रोग का मूल कारण क्या है, उसकी निवृत्ति कैसे संभव है, और उसकी आत्यंतिक निवृत्ति, आत्यंतिक निवृत्ति का अर्थ है कि वह रोग पुनः ना आ पावे, उसका क्या उपाय है। तो ये जो विद्वान महापुरुष लोग आज आपको अप्रसन्न, असंतुष्ट प्रतीत हो रहे हैं, इसका मूल कारण है क्योंकि वो प्रत्येक धर्म की प्रत्येक कार्य व्यवस्था को, किसी भी जो भी हम लोग विधि निषेध आदि से युक्त तो कोई भी धर्म कार्य करते हैं, वे उनमें शास्त्रों के आलोक में प्रत्येक वस्तु का, प्रत्येक घटना का, प्रत्येक पात्र का निर्णय करते हैं। इसीलिए उनका ऐसा, हम और आप लोग साधारण लोग यदि ऐसा सोचें कि महापुरुष लोग अप्रसन्न इसीलिए हैं कि भगवान का मंदिर बन रहा है, प्यारे प्रभु आ रहे हैं इसलिए वे अप्रसन्न, ऐसा नहीं है। उनकी अप्रसन्नता का कारण देखिए, दो प्रकार के लोग हैं। एक, जैसे मान लीजिए बीजेपी की पार्टी में
मंदिर बन रहा है तो अन्य विरोधी दल अप्रसन्न है। मान लीजिए कोई कोई ऐसे कहे कि क्यों बन रहा है, उसकी जगह ये बन जाए वो बन जाए, पचासों बातें करते हैं, अप्रसन्नता व्यक्त करते हैं। वह कारण शास्त्रज्ञ जनों में प्रासंगिक नहीं होता है। शास्त्रज्ञ जनों के अप्रसन्न होने का, असंतुष्ट होने का एकमात्र कारण है जो कि प्यारे प्रभु स्वयं श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं ना, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सिद्धि मवाप्नोति न सुखं न परांगतिम। जो शास्त्र विधि का त्याग करके किसी भी कार्य व्यवस्था को परिणाम देते हैं, कार्य करते हैं, उनको ना तो सिद्धि मिलती है, ना सुख मिलता है, ना परागति प्राप्त होती है। तो शास्त्र विधि का त्याग करने का अर्थ सीधा सीधा हुआ अधर्मी हो जाना। आजकल मीडिया वालों ने एक शब्द बहुत चलाया हुआ है ना, धर्म निरपेक्ष। वस्तुतः मूलतः देखा जाए तो अधर्मी को ही धर्म निरपेक्ष कहते हैं। जो धार्मिक व्यक्ति है वह धर्म निरपेक्ष कभी हो ही नहीं सकता। तो आज जो विद्वज्जन अप्रसन्न है, देखिए पूज्य चरण गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने कैसी प्यारी बात कही है। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलहे भय आस, राज धर्म तन तीन ही हो ही वेद ही नाश। सचिव हुए, वैद्य हुए, गुरु हुए, यदि ये किसी भी लोभवश, आशावश, किसी भी चिंता से, किसी भी स्वार्थ से, भयवश ये यदि असत्य भाषण करते हैं, अनुचित सुझाव देंगे, तो सचिव के अनुचित सुझाव देने से राज्य का, वैद्य के अनुचित सुझाव देने से तन का, और गुरु अर्थात मार्गदर्शक के अनुचित सुझाव देने से बाह्य धर्म का नाश हो जाता है, ऐसा पूज्य चरण ने कहा है, लिखा है, स्पष्ट है शास्त्रों का वाक्य। तो जो गुरु पद पर विराजमान शास्त्रज्ञ महापुरुष हैं, वे ऐसा तो नहीं है कि वे नहीं चाहते कि मंदिर ना बने, मंदिर ना बने, कोई उत्सव ना हो, आनंद ना हो। वे भी चाहते हैं मंदिर बने, उनके हृदय में भी बहुत आनंद है, बहुत प्रसन्नता है, परंतु शास्त्र विधि का त्याग कर देने के कारण उनके मन में अप्रसन्नता है। तो हम और आप लोगों को चाहिए कि हम उनके मन की पीड़ा को समझें। देखिए भगवान की कृपा होती है तो संतों के, महापुरुषों के, विद्वज्जनों के, शास्त्रज्ञ जनों के मन में करुणा उत्पन्न होती है। उस करुणा के कारण अशास्त्रीय विधि से कोई कार्य होता है तो उनके मन में पीड़ा उत्पन्न होती है। उस पीड़ा के कारण ही कुछ ऐसे शब्द प्रकट हो जाते हैं जो साधारण जन को चुभ जाते हैं, अच्छे नहीं लगते, शोभायमान नहीं होते हैं साधारण जनों के मध्य। विद्वान तो विद्वान की भाषा समझते हैं, तो वे तो जानते परखते हैं, सब समझते हैं। तो देखिए शब्दों पर हम विचार न करें, बहुत उनके हृदय की पीड़ा को भी समझें। उनके हृदय की पीड़ा का कारण उनके हृदय की करुणा है, उनके हृदय की करुणा का कारण भगवान की कृपा है। ये शास्त्र भी तो भगवान का ही रूप है ना। श्रीमद् भागवतं शास्त्रम श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्षः कृष्ण एवेहि। ये शास्त्र भी तो भगवान का ही रूप है, उन्हीं के माध्यम से वे बोल रहे हैं, उनको हृदय में विराजमान करके बोल रहे हैं। इसीलिए प्यारों हमारा ये भाव है कि आप किसी भी महापुरुष की वाणी का अपमान ना करें, उनके हृदय की पीड़ा को भी समझें। और ठीक है, उत्सव का समय है ही, प्यारे प्रभु पधार रहे हैं, आनंद उमंग का विषय है, घर घर सजाइए, प्यारे प्रभु की प्रतीक्षा कीजिए, प्यारे प्रभु का आनंद से भजन कीजिए और खूब उत्सव मनाइए, खूब आनंद कीजिए। और महापुरुषों के चित्त की भावना को भी प्यारे प्रभु की कृपा से समझने का प्रयास कीजिए, ऐसा मेरा भाव है। जय श्री राम।
गोपी कृष्ण हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में मथुरा का अग्रणी हॉस्पिटल एवं पहला टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है। IVF में 70% सफलता, स्त्री रोग विभाग में हाई रिस्क डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन, हिस्टेक्टोमी आदि बेहद अनुभवी एवं क्वालिफाइड लेडी डॉक्टरों द्वारा किए जाते हैं। मॉड्यूलर OT एवं हाईटेक मशीनों से फिजियोथेरेपी, एम्स दिल्ली एवं CMC बेल्लोर द्वारा सर्टिफाइड पैथोलॉजी। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड, ESI कार्ड, BSNL के कार्ड, रेलवे के कर्मचारियों के कैशलेस इलाज की सुविधा, लगभग सभी इंश्योरेंस कंपनियां एवं TPI कार्ड धारकों को कैशलेस इलाज की सुविधा। जय गुरुदेव हॉस्पिटल महोली रोड मथुरा, हमारे यहाँ माइनर OT, इमरजेंसी, ICU, PICU, NICU सभी प्रकार के सिटी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, डीलक्स रूम, महिला चिकित्सकों द्वारा डिलीवरी सुविधा, आंखों का ऑपरेशन, दांतों का उपचार, सभी प्रकार के ऑपरेशन, उचित दर पर दवाइयाँ, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, जनपद में सबसे कम दर पर 100 रुपए में OPD सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें 8650777901।